तो दोस्तों स्वागत है इसके हमारी इस नई वीडियो में। गाइस पंजाब एफसी की तरफ से एक शॉकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। मेरा माइंड पूरी तरीके से ऑफ हो चुका है। उन्होंने अपने 15 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। उन्होंने कल ही अपने हेड कोच को रिलीज किया था। यहाँ पर भाई 15 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। उनके नाम है भाई छठ सियास एंड सलाह, अमरजीत, मदी तलाल, साहिल टबोरा, आइसेक कृष्णंदा एंड जुआन मेरा, स्वीडन, विद्यासागर, ल्यूका मेशिन, डैनियल, प्रशांत एंड विल्मार जॉर्डन। चलो आपने विल्मार जॉर्डन को तो रिलीज़ किया, वो चेन्नई ने साइन कर लिया है, लेकिन भाई ल्यूका मेशिन आपका मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है फॉरवर्ड में। एंड भाई आइसेक, साहिल टबोरा, प्रशांत, डैनियल, जुआन मेरा एंड भाई मदी तलाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर था पंजाब एफसी का। और भाई इतने सारे प्लेयर्स को रिलीज़ करके पंजाब एफसी क्या सोच रही है यहाँ पर, मेरा पूरा माइंड पूरी तरीके से ऑफ हो चुका है भाई। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या किया है पंजाब एफसी ने। उनके ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं है, उनके पास इन्वेस्टर हैं, है ना, सब कुछ है उनके पास, यानी एक क्लब को चलाने के लिए जो वैल्यूज चाहिए उनके पास, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन भाई यहाँ पर ये चीज़ करने की क्या ज़रूरत थी। अब इतने सारे प्लेयर्स को आप कहाँ से साइन करोगे, क्या वो आई लीग से लेकर आओगे या फिर ISL से? मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है मिल जाएंगे, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे जिनको आपने रिलीज़ कर दिया। सो गाइस मुझे भी कमेंट करके बताओ कि पंजाब एफसी ने सही किया है या गलत किया है। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर उनको रिलीज़ करना पड़ा है, लेकिन भाई ISL में और भी सारी टीम है जिनको इनमें से काफ़ी अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे। सो आपको क्या लगता है, जमशेदपुर एफसी या फिर हैदराबाद एफसी या फिर केरला ब्लास्टर या फिर ओडिशा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पर कौन कौन सी टीम इन प्लेयर्स को साइन करेंगी? सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।